जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत के एयर स्पेस के उल्लंघन की कोशिश में जुटा चीन और भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर, बातचीत से सुलझाए मामले और यूक्रेन में फंसे पुतिन के लिए लाइफलाइन बना दोस्त भारत, वहीं चीन और रूस का काल बनेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर चरम पर ला दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन इसी तरह क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था और कुछ बड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2-3 हफ्ते में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में LAC पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए थे। इनके जरिए चीन लगातार एयर स्पेस के उल्लंघन की कोशिश करता रहा। साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा था और डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ है जब एयरफोर्स को LAC के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए फाइटर जेट्स उतारने पड़े थे। वैसे एयरफोर्स को इन खतरों से निपटने के लिए Sukhoi-30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। सोर्सेस के मुताबिक एयरफोर्स लगातार चीन से लगी सीमा पर ड्रोन्स की एक्टिविटीज पर नजर रख रही है। एयर स्पेस के उल्लंघन की संभावना को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही मौजूदा समय में असम के तेजपुर से लेकर छाबुआ में Sukhoi-30 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में राफेल फाइटर जेट्स को भी रखा गया है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए असम सेक्टर में रूस से खरीदा गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। वहीं भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद LAC पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 300 PLA सैनिकों को भारतीय जवानों ने LAC पर आगे बढ़ने से रोक दिया था और अब इस मामले पर चीन ने पहली बार बयान जारी किया है और सीमा पर हालात स्थिर बताए हैं। दोस्तों इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में पूरी घटना की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और बताया कि भारतीय जवानों ने PLA सैनिकों को कड़ा जवाब दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पिछले फ्राइडे को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और करीब 300 PLA सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भारत के जवानों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं और रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सैनिकों के पास गहरी चोट पहुंचाने वाले हथियार थे जैसे किलो वाला डंडा और इलेक्ट्रोशॉक वाली टेजर गन, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें बड़ी संख्या में घायल करके भेजा है। अगर दोस्तों यांगत्से की बात करें तो भारत और चीन की सेनाएं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में पहले भी आमने सामने आ चुकी हैं और इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था। दरअसल चीन यांगत्से की 17,000 फुट ऊंची चोटी पर कब्जा करना चाहता है। ये चोटी स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ऊंचाई से LAC के दोनों ओर का कमांडिंग व्यू मिलता है जिससे सीमा के दोनों तरफ नजर रखना आसान हो जाता है, इसलिए चीन यहां कब्जा करना चाहता है। वहीं अमेरिका के एयरफोर्स ने पहली बार मॉडर्न ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। इससे पहले अमेरिका ने कई बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हवा से दागे जाने वाली रैपिड रिस्पांस वेपन या ARRW का B-52 बॉम्बर की मदद से कैलिफोर्निया के तट से टेस्ट किया है और AGM-183A मिसाइल ने टेस्ट के दौरान 5 मेक से ज्यादा की हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल किया है। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स ने बताया कि इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने सभी गोल्स को हासिल किया है। ARRW एक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल है जो बूस्टर रॉकेट की मदद से बारूद के गोले को हाइपरसोनिक स्पीड देता है। एक ग्लाइड व्हीकल इसके बाद बूस्टर से अलग हो जाता है और फिर अपने टारगेट की ओर हाइपरसोनिक स्पीड से बढ़ता है और ऐसा पहली बार है जब हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम का सफल टेस्ट किया गया है और इससे पहले के टेस्ट में बूस्टर रॉकेट पर फोकस किया जाता था। वहीं यूक्रेन पर फरवरी में भीषण हमले शुरू करने वाला रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बेहाल है। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट कम कर दिया है। इससे ऊर्जा के बड़े एक्सपोर्टर रूस के सामने बड़ा संकट हो गया है। इस महासंकट की घड़ी में भारत ने अमेरिकी धमकी के बाद भी खुलकर अपने दोस्त रूस का साथ दिया है। साथ ही हालात ये हैं कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद रूस से भारत को तेल के एक्सपोर्ट में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वैसे रूस भारत को बेहद सस्ते रेट्स में तेल मुहैया करा रहा है जिससे गवर्नमेंट को महंगाई रोकने में बड़ी मदद मिल रही है। वहीं भारत के रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इंडियन गवर्नमेंट पर खुलकर निशाना साधा था। उन्होंने बताया कि भारत को सस्ता तेल इसलिए मिल रहा है कि यूक्रेनी जनता भीषण रूसी हमले झेल रही है
और अब ताजा एनर्जी ट्रैकर से खुलासा हुआ है कि भारत को रूसी तेल का एक्सपोर्ट जहां 14 गुना बढ़ा है, वहीं चीन को भी दोगुना हो गया है। इन दोनों ही खरीदारों की मदद से रूस को यूरोपीय देशों से हुए घाटे की भरपाई करने में मदद मिल रही है और भारत की इस मदद से रूस भी बेहद खुश है। दोस्तों, अमेरिकी दबाव के बाद भी तेल खरीदने पर रूस ने खुलकर भारत की तारीफ की है। भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुस्किन ने बताया कि भारत ने तेल खरीदने पर एक स्वतंत्र नीति अपनाई है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।